ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले जो हमारे फिटर फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही थी उसका जो है पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले की 6 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर इसके पहले की वीडियो क्रम वाइज बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उनका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे www.globalitea.org। कैसे मिलेगा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको सिंपली अपने ब्राउजर में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई, अपने फोन के गूगल क्रोम है कुछ भी ब्राउजर है वहां सर्च कर लीजिएगा। सबसे पहले वेबसाइट मिल जाएगा globalitea.org के नाम से, इस पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा इस टाइप से। फिर यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होंगे होम हमारे बारे में नहीं अपडेट आईटीआई कोर्स, अगर आप फोन में यूज करें तो ये ऑप्शन शायद ना दिखाई दे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें बनी हुई इस पर क्लिक कर लीजिए, सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। फिर आईटीआई कोर्स पर क्लिक करना है, फिर ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे फिटर थ्योरी वाला सेलेक्ट कर लीजिए, नया टैब ओपन हो जाएगा। नीचे स्लाइड करके जाइए, दो ऑप्शन होगा फिटर फर्स्ट ईयर फिटर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नया टैब ओपन हो जाएगा। नीचे स्लाइड करके जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा फिटर फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ नीचे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी है। बाकी यहाँ पे एक नई चीज है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस एनएस क्यूबा 4 2023, मतलब आपको यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस, मतलब जो आपके एनएस क्यूबा लेवल 4 हो गया होगा, आप लोगों को मालूम होगा पहले लेवल 5 था, लेवल 4 हो गया है, तो उस अकॉर्डिंग इसमें जो है क्या सिलेबस में रह गई ये चीजें, तो वो चीजें आप यहाँ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही आप ड्राइंग वगैरह या फिर अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस ओपन कर, सेम इसी तरीके से उन्हें भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको सिलेबस लिखा हुआ मिल जाएगा। ये हो गया हमारा, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि आज का क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। एक्स के रूप में चिन्हित जो ये वाला भाग है इसका नाम इन्होंने पूछ रखा है, और ये क्या चीज है तो आपको दिख रहा होगा क्या है, किसका फिगर है, ड्रिल बिट का है, मतलब जो ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन में जो ड्रिल बिट लगाई जाती है उसका फिगर यहाँ पर है। तो हम इसके पहले देख रहे थे कौन से भाग को क्या कहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो ड्रिल बिट में होता है ना, जो पतली सी लाइन जैसी दिख रही है यह वाला भाग जो दिख रहा है आपको ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं, मार्जिन बोला जाता है। ठीक, और उसके बाद जो शेष भाग बच गया मार्जिन के अलावा, यह जो शेष भाग बच गया इसको बोला जाता है बॉडी क्लियरेंस। क्या बोलते हैं, बॉडी क्लियरेंस। ठीक है, मार्जिन जो होता है, मार्जिन उभरी हुई लाइन होती है, कभी भी ड्रिल बिट देखेंगे तो उसके किनारे चमकदार उभरी हुई लाइन दिखेगी, पतली सी उभरी हुई लाइन चमकदार लाइन दिखती है, उसी को मार्जिन कहते हैं। और इसके पीछे का भाग जो बॉडी क्लियरेंस है ना, तो मार्जिन से डाउन रहता है, पीछे को वो डाउन रहता है। क्यों रहता है, ताकि जब यह ड्रिल बिट किसी होल में ड्रिल करे तो ड्रिल का पूरा हिस्सा उससे रगड़ ना खाए, क्योंकि अगर जो मार्जिन वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरा एक बराबर होता तो क्या होता, जब ड्रिल बिट चलती तो ये पूरा इतना चौड़ा हिस्सा उस जो होल है उसमें रगड़ खाता, तो इससे ड्रिल बिट भी खराब होती, प्लस ज्यादा पावर लगती, इतना हिस्सा रगड़ खाता तो पावर भी ज्यादा कंजप्शन होता, ज्यादा पावर भी लगती। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये मार्जिन वाला हिस्सा उभरा हुआ थोड़ा सा पतली रेखा उभरा हुआ बना देते हैं, बाकी इसके पीछे का हिस्सा जिसे बॉडी क्लियरेंस कहते हैं, क्लियरेंस का मतलब है कि उसे थोड़ा सा पीछे डाउन कर दिया जाता है, स्लोप कर दिया जाता है, इससे क्या होगा कि सिर्फ यह पतली लाइन ही संपर्क में आएगी, बाकी यह वाला हिस्सा पीछे डाउन दिया गया बॉडी क्लियरेंस वाला, तो वह होल के संपर्क में नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, सिर्फ पतली सी लाइन संपर्क में आएगी, तो कम फ्रिक्शन होगा, होल भी आपका अच्छा बनेगा, खराब नहीं होगा, और पावर भी कम लगेगी, इसलिए बॉडी क्लियरेंस बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे की चीजें देखते हैं। यह जो एक्सिस है, यह ड्रिल एक्सिस होती है, जो यहां पे बीच में लाइन खींचा गया है, या कौन सी एक्सिस है, तो इसको ड्रिल एक्सिस बोलते हैं, ड्रिल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो यहां पे लाइन आपको दिख रही है ना, यह जो भाग दिख रहा है इसको बोला जाता है फ्लैंक। क्या बोलते हैं, फ्लैंक। ठीक है, उसके बाद जब यह चलेगा ना, तो यह वाली कटाई, यह वाला हिस्सा कटाई करेगा और यह वाला हिस्सा, ये दोनों कटाई करेंगे जब ड्रिल बिट घूमेगी, तो यह पीछे वाला हिस्सा नहीं, आगे वाला कटाई करेगा, इसके बाद फिर यह वाला आ जाएगा, यह कटाई नहीं करता, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, तो यह जो दोनों लाइने है ना, यह वाला है या यह वाला है, इसको बोला जाता है क्या, कटिंग एज। क्या बोलते हैं, कटाई करने वाला एज होता है, कटिंग एज। और इसी कटिंग एज को ही हम लोग, इसी कटिंग एज को क्या बोल देते हैं, लिप भी बोलते हैं। कटिंग एज को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, लिप बोल देते हैं। जो पहला ऑप्शन है लिप, तो इसको, ठीक है, यह वाला हो चाहे यह, दोनों लिप है, इसे भी लिप कहते हैं, लिप कहिए चाहे कटिंग एज कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है फ्लैंक, समझ में आ गया। तो कोई भी अगर कोई भी कटिंग टूल हो, तो उसमें से जो चिप्स निकलता है ना, जब वो कटाई करता है तो जो चिप्स निकलता है वह जिस भाग को टच करता हुआ निकलता है, मतलब चिप्स जो है, जब कटिंग टूल कटाई करेगा तो जब चिप्स निकलेगा
तो जिस सतह से वो टकराता हुआ निकलेगा उसको फेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेस। तो देखिए यह कटिंग एज हो गई, यह कटिंग एज हो गई, जब ड्रिल बिट घूमेगा तो यह कटिंग एज से क्या होगा, यह चिप्स काटेगा, तो चिप्स जब कटेगा तो यहां से टकराते हुए इसी भाग से टकराते हुए बाहर निकलेगा, निकलेगा ना। इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो इसी भाग से टकराते हुए निकलेगा, तो यह वाला भाग जो, यह वाला जो हिस्सा है चिप्स, ये वाला कटाई करेगा चिप्स, इस पर टकरा के निकलेगा, तो इस हिस्से को क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। ऐसे ही आपका कटिंग टूल में जो लेथ मशीन में टूल होता है उसमें भी जो कटाई करता है हमारा, या चीजल हो, हमारा चीजल हो गई हमारी, जब यहां से कटाई करेगा चिप्स यहां टकरा के निकलेगा, तो इस हिस्से को फेस बोला जाएगा। या फिर आपका लेथ मशीन पर जो टूल लगा हो, मतलब जब भी हम किसी भी जॉब की कटाई करते हैं तो जो चिप्स होता है जिस सतह से टकराता हुआ जाता है उसको फेस बोला जाता है, ठीक। उसके बाद यह वाला जो हिस्सा इधर खालीपन है, या फिर कह लीजिए यह वाला, यह तो भरा हुआ हिस्सा हो गया या खाली हो गया, इसको क्या बोलेंगे? फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रूट। इसी में से होकर के चिप्स बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और होता है, देखिए यह वाली लाइन किसकी, यह भी फ्रूट है, इधर फेस हो गया और इधर वाला जो खाली हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? फ्रूट कहलाएगा। इसी फ्रूट में से हमारा क्या निकलता है? चिप्स बाहर निकलता है या कूलेंट को अंदर भेजा जाता है। इस फ्रूट में से चिप्स बाहर निकल जाएगा और कूलेंट को भी हम इसी के माध्यम से होल के अंदर भेजते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? फ्रूट हो गया। तो यह वाली जो लाइन होगी यह फ्रूट लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फ्रूट लाइन। और यह वाली लाइन जो होगी ये बॉडी, भाई ये बॉडी क्लियरेंस है ना, तो यह लाइन बॉडी क्लियरेंस हो गया और यह लाइन फ्रूट वाली लाइन होगी। तो फ्रूट वाली लाइन बॉडी क्लियरेंस और यह फ्रूट वाली लाइन दोनों जहां पे मिलते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है? इस वाले चीज को, जो दोनों बॉडी क्लियरेंस वाली लाइन और फ्रूट वाली लाइन दोनों जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं क्या? हील बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे इन्होंने पूछा क्या था? इन्होंने पूछा था यक्ष के रूप में, मतलब यह चीज पूछ रहा है कि यह जो है यह क्या है, यह वाली चीज ना। देखिए इस वाले एंगल को कहिए चाहे यह वाला एंगल कहिए, दोनों एक ही बात है, इस बात को ध्यान देना। चाहे इसकी बात कीजिए चाहे इसकी बात कीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये कहां बन रहा है? तो ये देखिए दोनों, यह लीप हो गया और यह लीप हो गया, दोनों लीप के बीच का एंगल। तो लीप एंगल बोल सकते हैं या फिर इसको पॉइंट एंगल भी बोल सकते हैं। लीप एंगल या पॉइंट, क्योंकि दोनों लीप के बीच में बन रहा था, ये हमारा लीप एंगल होता है। या देखिए जब दोनों के बीच में बन रहा था पॉइंट जैसा बन गया ना, एक पॉइंट पे आके मिल गए, तो यह पॉइंट एंगल भी कहलाता। तो लीप एंगल या पॉइंट एंगल इसको क्या बोलेंगे? लीप एंगल बोलिए चाहे इसको पॉइंट एंगल बोलिए। आई बात समझ में? सारे क्लियर होंगे? लीप कहाँ पे है? लीप यहाँ पे है आपका। लैंड कहाँ पे है? लैंड यह वाला हिस्सा है। ओ लैंड वाला मैंने नहीं बताया ना। देखिए बॉडी क्लियरेंस हो गया या मार्जिन हो गया, किसी कभी कुछ बुक में जो मार्जिन है मार्जिन को ही लैंड कह देता है, मार्जिन को ही लैंड कह देता है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो देखिए ये मार्जिन वाला हिस्सा हो गया, बॉडी क्लियरेंस हो गया, जो टोटल हो गया टोटल को लैंड बोलते हैं। भाई ये पतली सी मार्जिन हो गई, ये बॉडी क्लियरेंस हो गया, जब पूरा मिला देंगे तो लैंड कहलाता है। पर कुछ बुक्स वगैरह में मार्जिन और लैंड को दोनों को सेम दे रखा है, और कई बार यह पूछता भी है कि ड्रिल बिट का व्यास किससे लिया जाता है, तो दोनों मार्जिन, एक मार्जिन इधर होगा एक विपरीत दिशा में होगा, तो दोनों दोनों विपरीत मार्जिन के बीच, सॉरी के बीच का जो डाया होता है ना वही क्या होता है? ड्रिल बिट का व्यास होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये सारी चीजें क्लियर हुई। लिप क्या था, लैंड क्या था, फ्लैंक क्या था, फ्लैंक भी मैंने आपको बताया यहाँ वाला ऐसे है, फ्लैंक है और पॉइंट एंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्या? यह पॉइंट एंगल है। कौन सा एंगल है? पॉइंट एंगल। तो मैंने ड्रिल बिट के सारे पार्ट के नाम बता दिए, जिससे कि आगे अगर कुछ और भी पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। जैसा कि मैं बार बार बताता चल रहा हूँ कि हम लोग पूरा ऑप्शन डिटेल में पढ़ेंगे, कि अगर बाई चांस क्वेश्चन चेंज भी होता है तो भी आप क्वेश्चन को कर जाओ, कोई दिक्कत ना हो। सारे चीजें जानते रहेंगे, ऑप्शन जानते रहेंगे, मतलब 10 क्वेश्चन की जगह 40 क्वेश्चन तैयार होगा, 500 की जगह 500 को 4 गुना कर लीजिए 2000 तैयार हो जाएगा, कहाँ क्वेश्चन जाएगा, सब एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ड्रिल टैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। अभी हमने इसके पीछे ड्रिल टैंक के पार्ट के बारे में देखा, अब पूछा जो ड्रिल टैंक होता है उस पर किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। क्या पूछ रहा है? जो ड्रिल टैंक होता है उस पर किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। भाई ड्रिल टैंक ऊपर वाला है ना, नीचे वाला जो हिस्सा था वो ऊपर इस टाइप से रहता है टेपर में, ठीक है। टैंक हो गया इसका, टैंक हो गया हमारा, ये जो टैंक है यह वाला, तो ये जो टेपर बना हुआ वही पूछा हुआ, टेपर किसमें होता है? नीचे ड्रिल बिट की बॉडी होती है, ठीक है, इस तरह से टेपर में ऐसे होती है, आगे नीचे ऐसे कटिंग एज होती है, कटाई करता है। तो यह ऊपर जो सैंक वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर सैंक वाला हिस्सा है, इसी को पूछ रहा है कि इस पर जो सैंक है कौन सा टेपर कटा होता है। तो इस पर कटा होता है मॉर्स टेपर। कौन सा टेपर कटा होता है? मॉर्स टेपर, जो ड्रिल बिट का सैंक होता है। ड्रिल बिट का सैंक हो
चाहे रीमर का सैंक हो, ठीक है, चाहे आपका जो सेंटरलेस मशीन में लगाता हो उसका सैंक हो, सब पर मॉर्स टेपर कटा होता है। मैक्सिमम जो चीजें यूज करते हो उससे मॉर्स टेपर होगा, ठीक है। ड्रिल बिट, चाहे आपका रीमर हो, चाहे आपका सेंटर हो, इन पर मॉर्स टेपर कटा होगा। मॉर्स टेपर जो होता है आपका 8 प्रकार का होता है। क्या होता है? MT0 से मॉर्स टेपर को MT से दिखाते हैं, MT मॉर्स टेपर MT0 से लेकर के MT7 तक होता है। तो देख रहे हैं टोटल कितने प्रकार का हो गया, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार का, मतलब टोटल ये कितने प्रकार का हो गया, 8 प्रकार का हो गया। पर जनरली यूज किया जाता है MT0 से MT6 तक, जनरली ही वाला हम यूज करते हैं, ठीक है। पर ड्रिल बिट की स्पेशली बात करें तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं MT1 से लेकर के MT5 तक वाला मॉर्स पेपर। आई बात समझ में कि नहीं, जो मॉर्स पेपर होता है हमारा टोटल 8 प्रकार का होता है MT0 से MT7 तक, लेकिन यूज जनरली होता है MT0 से MT6 तक, 7 प्रकार का। उसमें भी अगर हम ड्रिल बिट की बात करें तो इस पर जो मॉर्स पेपर यूज किया जाता है वो MT1 से MT5 तक यूज किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें हो गया आपका किसके बारे में, मॉर्स पेपर के बारे में। एक चीज और इसमें होता है कि इसका अनुपात कितना होता है, तो 1:20 का होता है। और सेम यही आपका होता है किसका, मैट्रिक टेपर का। मैट्रिक टेपर का भी जो अनुपात होता है 1:20 का ही होता है, दोनों का सेम होता है, इसका भी और मैट्रिक वाले का भी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पिन टेपर कहां पे होगा, देखिए पिन टेपर जो होगा ना, पिन टेपर मतलब ये पिन की तरफ, पिन मतलब गोल की बात आ गई, तो जो सर्कुलर टेपर की होता है, क्या होता है, एक आपने की के बारे में पढ़ा होगा, तो की में हमारा सर्कुलर टेपर की इस तरह से होता है, जहां पे शाफ्ट हो गई हमारी, शाफ्ट के ऊपर जब पुली लगा होता है, क्या लगा होता है, पुली लगा होता है, जब हल्के लोड ट्रांसफर करना हो तो शाफ्ट और पुली में क्या होता है, अर्धवृत्ताकार खांचा, मतलब शाफ्ट में भी अर्धवृत्ताकार खांचा काटते हैं और पुली के अंदर भी अर्धवृत्ताकार खांचा काटते हैं। अब यहां गोल होल हो गया तो उसमें यह सर्कुलर टेपर की लगाई जाती है, उसमें सर्कुलर टेपर की लगाई जाती है। तो इस पर जो सर्कुलर टेपर की पे जो हमारा टेपर कटा होगा वो पिन टेपर कटा होगा, कौन सा कटा होगा, पिन टेपर कटा होगा। इसका जो अनुपात होता है ना, अगर हम बात करें तो मीट्रिक में, किसमें, मीट्रिक में 1:50 का होता है, जबकि ब्रिटिश में 1:48 का होता है। यह किसमें है, यह मीट्रिक में है, यह किस सिस्टम में, यह ब्रिटिश सिस्टम में, क्लियर। जर्नो टेपर की बात करें तो जर्नो टेपर कहां होता है, तो यह जर्नो टेपर होता है हमारा लेथ मशीन के स्पिंडल के बाहरी नोच पर होता है, कहां होता है, लेथ मशीन के, यह 20 प्रकार का होता है हमारा जर्नो टेपर, लेथ मशीन के स्पिंडल के बाहरी नोज पर जर्नो टेपर कटा होता है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मॉर्स टेपर सही हो जाएगा, कि ड्रिल सैंक में मॉर्स टेपर कटा होता है। अगला क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन की स्पिंडल में से हमें ड्रिल निकालना है, मैंने फिगर देखिए, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, फिगर मैंने आपको समझने के लिए लिया हुआ है। देखिए ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में हम यहाँ पे क्या नीचे लगा देते हैं, ड्रिल बिट को डायरेक्ट लगा देते हैं, कुछ में चक लगा होता है, जिस ड्रिल मशीन में चक लगा होता है उसमें स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिल बिट पकड़े जाते हैं, और कुछ ड्रिल मशीन में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मशीन की स्पिंडल में ड्रिल बिट को पकड़ते हैं, तो उसमें जो होता है ड्रिल चक नहीं लगा होता है, उसमें जो लगेगा वह टेपर सैंक वाले ड्रिल बिट लगेगी, स्ट्रेट सैंक ड्रिल बिट होते हैं और टेपर सैंक, स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिल चक में पकड़ा जाएगा और टेपर सैंक वाला डायरेक्ट स्पिंडल में ही पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो यह जो है हमारा दिखाया गया यहाँ पर कि यह मशीन है और इसमें लगाया जाएगा हमारा क्या, ये ड्रिल बिट लगाया जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, यह फिगर आप ध्यान से देखना, यह ड्रिल बिट हमारा क्या है, ड्रिल मशीन का, ठीक है, यह ड्रिल मशीन का क्या है, स्पिंडल है, इसमें डायरेक्ट हमने ड्रिल बिट को पकड़ लिया टेपर सैंक वाली। अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो आप देखते हैं जो हमारी ड्रिल बिट होती है इसमें भी यहाँ ऊपर होल बना रहता है इस टाइप से, देखिए यहाँ ऊपर होल बना हुआ है, यहाँ स्पिंडल में भी यहाँ ऊपर होल बना हुआ है, तो इस होल में हम क्या करते हैं, ड्रिफ्ट, देखिए ये ड्रिफ्ट ऐसे टेपर में होता है, ड्रिफ्ट है, इसे क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट ऐसे टेपर में होती है, तो इसको होल में डालते हैं तो पहले पतला आगे का हिस्सा चला जाएगा, हल्का हल्का ठोकेंगे तो अंदर घुसा जाएगा और नीचे को दबाव देगा और यह ड्रिल बिट बाहर निकल जाएगी। तो ड्रिफ्ट की मदद से करते हैं, इसका जो एंगल होता है 8° 19' होता है, किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, क्या, ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा, मतलब मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका हमने यूज किया, ड्रिफ्ट का यूज किया, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यह किसका फिगर था, यह ड्रिफ्ट का फिगर था, ठीक है। यह जो दूसरा फिगर है आपका, यह पंच का है, किसका है,
पंच क्या है? देखिए पंच अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे भाई, सेंटर पंच होता है, प्रिक पंच होता है, डॉट पंच होता है। सेंटर पंच कहाँ यूज करते हैं? तो जब ड्रिल करना होता है जहाँ पे, वहां पे गहरा निशान लगाने के लिए जॉब पे पहले सेंटर पंच से निशान लगाते हैं। सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। वहीं पे प्रिक पंच की बात करें और डॉट पंच की, तो डॉट पंच जो है हमारा किसी भी जॉब पर बने निशान को पक्का करने के लिए, उसका एंगल 60 डिग्री होता है। प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है। उसका यूज कहाँ किया जाता है? उसका यूज किया जाता है किसी जॉब पर, किसी जॉब पर मेटल की जॉब है उस पर कंपास की नोक को स्थान देने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिवाइडर है, डिवाइडर की मदद से वृत्त खींचना चाहेंगे, मेटल पे उसका नोक खिसक जाएगा ना, कॉपी पे आप क्या करते हो कि उसके नोक को हल्का सा चुभो देते हो बुक में, तो उसमें फंस जाता है, तो मेटल पे तो फिसल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होता है, उसकी मदद से हल्का सा निशान लगाते हैं, फिर उसके बाद डिवाइडर की नोक को उसमें लगा करके घुमाते हैं, तो डिवाइडर की नोक को स्थान देने के लिए प्रिक पंच वाला। तो ये पंच हो गया हमारा, ठीक है। स्लीव क्या है? तो देखिए जब हम ड्रिल बिट यूज करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे अब भाई मशीन का स्पिंडल तो एक ही साइज का है, ड्रिल चक में क्या होता है, अगर यही मशीन में हमारा ड्रिल मशीन में ड्रिल चक होता तब तो की के द्वारा उसके साइज को हम कम ज्यादा कर लेते हैं, जो भी ड्रिल पकड़ना को उस हिसाब से ड्रिल चक के साइज को हम की घुमा करके कम ज्यादा कर लेंगे। लेकिन मशीन स्पिंडल में तो भाई कोई साइज कम ज्यादा कर नहीं सकते, तो यहाँ पे कैसे हम करते हैं, क्योंकि पता चला अलग अलग साइज के हमारा ड्रिल बिट पकड़ने के लिए उतनी मशीनों की जरूरत पड़ जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी ना, महंगा पड़ जाएगा ना। तो इसलिए हमने क्या जुगाड़ निकाला, जो ड्रिल मशीन का स्पिंडल है, अगर हमारी देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि यह ड्रिल बिट है, अगर ड्रिल बिट इसमें लूज पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, ड्रिल बिट क्या हो रहा है, इस स्पिंडल के अंदर ढीला पड़ रहा है, लूज हो रहा है, नहीं उसमें टाइट हो रहा, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक या जो बना हुआ है टेपर सैंक का, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्लीव, क्या बोलते हैं इसको, स्लीव, इसको चढ़ा देंगे इस ड्रिल बिट के ऊपर। अब ये इसके ऊपर चढ़ेगा तो मोटा हो जाएगा, अब इसको इसके अंदर फंसा देंगे, काम हो गया आपका। तो स्लीव कब यूज किया जाता है, जब हमारा ड्रिल बिट मशीन की स्पिंडल में ढीला हो रहा हो। अब दूसरा केस भी तो हो सकता है, हो सकता है, तब ये तो हमने जुगाड़ निकाल लिया, हो सकता है हमारा दोनों, हमारा क्या है, दोनों वही है, यह दोनों हमारा क्या है, स्लीव है, ठीक है। दूसरा केस यह हो सकता है कि यह जो हमारा ड्रिल बिट है यह मशीन स्पिंडल में टाइट हो, मतलब यह इसमें जाए ही ना। अब वो पतला कैसे करेंगे, तो पतला करने का क्या जुगाड़ है, तो उसके लिए जो यूज करते हैं हम, यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं सॉकेट, ठीक है। देख रहे हैं इसमें दो पार्ट है, स्लीव में सिर्फ एक ही भाग था, इसमें दो पार्ट है, आगे वाला हिस्सा मोटा है जो कि इस पे आ जाएगा, क्योंकि भाई ये मोटा पड़ रहा है ना, और पीछे का हिस्सा इसका पतला है, तो जो आगे वाला बड़ा हिस्सा है वह इस ड्रिल बिट पे चढ़ जाएगा और पतला वाला हिस्सा मशीन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह अगर ड्रिल के स्पिंडल से मोटा भी होगा हमारा ड्रिल बिट, तो उसको भी सॉकेट की मदद से पकड़ सकते हैं। तो यह होता है स्लीव और सॉकेट कब यूज करेंगे, तो इस हिसाब से जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। बाकी हैमर क्या होता है, तो हैमर का फिगर आपको दिख रहा होगा, यह हैमर होता है। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ड्रिप सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंज का नाम बताइए। प्रतिबंधित स्थान मतलब ऐसा स्थान जहां पे थोड़ा कंजेस्टेड हो, सही से हम काम ना कर पाए, कंजेस्टेड हो, जगह कम हो, तो ऐसे स्थानों पे हम कौन से टैप रेंज का यूज करेंगे। टैप क्या होता है, तो किसी भी होल में आंतरिक थ्रेड काटने के लिए जो टूल यूज किया जाता है उसको टैप बोलते हैं। और अगर किसी भी रॉड पे हमें बाहरी या किसी पाइप पे बाहरी थ्रेड काटना हो तो उसको डाई बोलते हैं। डाई के द्वारा बाहरी थ्रेड काटा जाएगा और टाइप के द्वारा आंतरिक थ्रेड काटा जाएगा, इंटरनल थ्रेड काटा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले ना टैप रेंज का, मतलब कंजेस्टेड स्थान पे कौन सा टैप रेंज यूज करें, मतलब जो टैप से जिसे हम थ्रेड काट रहे हैं उसको चलाने के लिए जो रेंज यूज करेंगे उसको टैप रेंज कहते हैं। तो टैप को हम इनके बीच में लगाते हैं, तो देखिए बॉक्स टाइप टैप रेंज या तो नहीं होता है, मैंने देखिए टी हैंडल टैप रेंज यही होता है जो कंजेस्टेड स्थान में यूज किया जाता है, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा यह वाला है, यह दिख भी रहा है ना, थोड़ा आसान है, लेकिन एक चीज है कि यह छोटे साइज के लिए उपलब्ध होता है, मतलब बड़े साइज के अगर टैप होगा तो बड़े साइज के लिए नहीं मिलता है। इसमें आगे चक लगा होता है, चक लगा होता है, देख रहे हैं ना, चक अंदर नहीं किया हुआ, इसमें दो जबड़े होते हैं, आगे चक लगा होता है नीचे और दो जबड़े होते हैं, और इसके देख रहे हैं लंबाई भी दिख रही है, मतलब कहीं गहराई में हो या फिर कंजेस्टेड रहता तो इसका हैंडल छोटा है, तो आसानी से आप इसे घुमा सकते हैं। जबकि इसका देखिए हैंडल बड़ा होता है, इसका हैंडल बड़ा होता है, तो इन्हें घुमाने के लिए पूरा स्पेस चाहिए होगा, जबकि इसको घुमाने के लिए छोटे स्थान में घूम सकता है, मतलब कंजेस्टेड स्थानों पे। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रतिबंधित स्थान कंजेस्टेड स्थान पे टी हैंडल टाइप रेंज का यूज करते हैं। देखने में भी देखिए टी जैसा दिख रहा है ना, टी बन गया, इसीलिए टी हैंडल टाइप रेंज कहते हैं, ये छोटे साइज के लिए होता है। बाकी अगला है आपका सॉलिड टाइप, तो यह है जो आपका यह फिगर जो है आपका, यह किसका है, सॉलिड टाइप वाला, इसका है यह हमारा सॉलिड टाइप वाला है, ठीक है।
सॉलिड टाइप में क्या होता है कि इसका साइज फिक्स है। साइज फिक्स का मतलब क्या है कि हम इसके साइज को एडजस्ट नहीं कर सकते। ये जो साइज दे रखा है इसी साइज के, इसमें देखिए दो साइज है, एक ये वाला साइज है एक ये वाला साइज है कम ज्यादा। अगर दो होल है तो दो साइज लगेगा, मतलब दो ही टाइप रेंज हमारा टाइप इसमें हम यूज कर पाएंगे, उनके साइज को चेंज नहीं कर सकते। ना सॉलिड है एक भाग, अगर पूरा ठोस टुकड़ा है या बीच का ठोस टुकड़ा, दोनों साइड पाइप लगी हुई है जिसको पकड़ के घुमाते हैं हम लोग, ठीक है। पूरा ठोस है सॉलिड है तो इसमें मतलब हम इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं। यह हमारा बड़े साइज के लिए भी उपलब्ध होता है। वैसे डबल इंडेड एडजस्टेबल टैप रेंज, देखिए इसके नाम में एडजस्टेबल, यह मतलब ऐसा टैप रेंज है, यह वाला जो फिगर है उसी का है, ऐसा टैप रेंज है जिसको एडजस्ट किया जा सकता है जिसके साइज को। यहाँ पर देखिए यह एक हिस्सा फिक्स रहता है और इस सॉलिड रॉड को जब घुमाते हैं ना तो यह जो जॉ है यह आगे पीछे खिसकता है। यह तो फिक्स रहता है पर यह आगे पीछे खिसकता है, मतलब हम टैप रेंज के साइज के अनुसार इसे लूज करके इसमें उसको फिट कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डबल इंडेड, मतलब दो सिरा है, एडजस्टेबल टैप रेंज जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, टैप के साइज के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यही मेन तीन होते हैं हमारे टैप रेंज। देखिए अगला आपका न्यूमेरिकल टाइप का आ गया आईएसओ मेट्रिक थ्रेड में M110 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना कीजिए, ठीक है। ठीक है देखते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक थ्रेड में है M10, तो जो ये दिया रहता है ना पहले इसका मतलब समझिए, M क्या बताता है, M बताता है कि मीट्रिक थ्रेड है, क्या बताता है मीट्रिक थ्रेड है। जो पहला यह 10 है, यह जो हमारा पहला 10 है यह क्या बताता है, तो यह मेजर डायामीटर को बताता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेजर डाया बड़ा व्यास को बताता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि यह जो 10 है यह क्या दिखा रहा है, मेजर डाया दिखा रहा है, माइनर डाया दिखा रहा है, टैप साइज दिखा रहा है, ड्रिल साइज दिखा रहा है, इस तरह से ऑप्शन आता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो पहला यह होता है ना ये मेजर डायामीटर को बड़ा व्यास को दिखाता है, जबकि जो दूसरा पॉइंट 1.5 है यह किसको प्रदर्शित करता है, तो यह प्रदर्शित करता है आपको पिच को, इसको बताता है पिच को बताता है, ठीक है। अब ये चीजें जान गए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको मेन जानना है क्या, एक फार्मूला होता है, यहाँ पूछा गया टैप ड्रिल आकार, टैप ड्रिल आकार उसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं TDS, कह सकते हैं ना टैप ड्रिल साइज, TDS टैप ड्रिल साइज, मतलब टैप ड्रिल साइज की हमें गणना करनी है। टैप ड्रिल साइज की फार्मूला होता है इसके बाद टैप साइज, TS कह लीजिए या पूरा लिख देता हूं मैं टैप साइज, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में TS लिख सकते हैं, माइनस 2D। यह फार्मूला आपको ध्यान रखना, बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा। डी क्या है यहाँ पे, तो डी है आपकी थ्रेड की गहराई, क्या है डेप्थ ऑफ थ्रेड, थ्रेड की गहराई, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मीट्रिक थ्रेड की बात हो रही है ना, ध्यान रखना फार्मूला बदल जाता है उसी हिसाब से। तो TDS बराबर क्या हो जाएगा, टैप साइज TS, ठीक है। यह टैप साइज ही हमारा क्या होता है, मेजर डायमीटर होता है। टैप साइज ही हमारा क्या होता है, इसको भी लिख देता हूं थोड़ा क्लियर रहेगा, यह जो हमारा टैप साइज था ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टैप साइज को हम लोग मेजर डाया कहते हैं, क्या कहते हैं मेजर डाया, ठीक है। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TDS इज इक्वल टू टैप साइज या मेजर डाया कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, माइनस 2 × मीट्रिक की बात हो रही है, तो जो डी का वैल्यू होगा वह कितना होगा, डी इज इक्वल टू 0.61 × पिच, ठीक है। मीट्रिक की बात हो रही है इसलिए, तो यहाँ पे डी का मान हम रख लेंगे 0.61 × पिच, क्लियर। और अगर यहीं पे क्या होता, ब्रिटिश की बात कर रहा होता तो सिर्फ कुछ नहीं होता, सेम ही चीज होती, बस यहाँ पे क्या होता, अगर ब्रिटिश की बात होता तो डी का वैल्यू क्या हो जाता, 0.64 × पी, किसमें ब्रिटिश में, ब्रिटिश में, और यह वाला किसके लिए है, मीट्रिक के लिए, मीट्रिक के लिए। तो फार्मूला सेम है, बस आपको डी का मान कब क्या रखना है, अगर यहां देखिए मीट्रिक की बात हुई थी, मीट्रिक की, इसीलिए हमने 0.61 रखा, अगर ब्रिटिश की बात होती तो 0.64 रखते हैं, तो बिल्कुल आसान है। अब बस आप इनकी वैल्यू रख दीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बड़ा वाला क्या है आपका भाई, 10 है TS, या फिर मेजर डायर कितना है, 10 दे रखा है, माइनस 2 × 0.61 × पी का मतलब पिच, पी क्या बताता है, पिच को बताता है, पिच कितना है, तो देखिए 1.5 है, मैंने बताया था वही पिच है 1.5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल आसान से आंसर आएगा। 10 माइनस यहाँ देखिए 1.5 × 2 = 3 गुणे 0.6, पहले गुणा करना फिर घटाना है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा आगे सॉल्व करेंगे, तो 10 है यहाँ पे, पहले इसका गुणा कर ले, 10 माइनस देखिए 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18,
कितने अंक पे दशमलव लगेगा, दो अंक पे दशमलव है, दो अंक पे दशमलव लग गया, 10 माइनस से 1.83 आ गया, आ गया ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, TDS टैब साइज बराबर 10 माइनस 1.83, ठीक है। घटाना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो यहाँ सिखा देता हूँ आप लोगों को, 10 लिख लीजिए, दशमलव आके दो अंक जीरो है, दो अंक तक, सॉरी दो अंक दशमलव के बाद तो दो अंक तक जीरो बढ़ा लीजिए, उसके नीचे दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए, फिर इधर एक है तो एक लिखिए, उधर 8-3 है तो 8-3 लिखिए। अब घटा लीजिए, देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ से उधार लेंगे 10 हो जाएगा हासिल, 10 में से सॉरी एक हासिल उधार लेंगे क्या 10 हो जाएगा, 10 में 3 गया 7, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ उधार चला गया तो उधार ना, तो यहाँ कितना बचा भाई, 10 में से उधर चला गया तो यहाँ बचा क्या 9, 9 में से 1 गया 8, ये आंसर हो जाएगा 8.17। इसमें आएगा सारे आंसर एमएम में आएंगे, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए आप कौन सा है भाई, 8.2, 8, देखिए ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्या 8.7 रहेगा, मान लीजिए क्या रहेगा 8.7 रहेगा, ठीक है। फिर 8.75, 8.65, तो देखेंगे कि 8.17 8.2 के करीब है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा भाई, 8.17 कहिए या 0.03 के बाद ही तो किस पे पहुंच जाता, या 8.2 पे पहुंच जाता, ठीक है। तो 8.17 लगभग किसके करीब है, 8.2 के, मतलब बहुत ही ज्यादा सा डिफरेंस है, लगभग वही चीज मानी जाएगी, तो 8.2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट बस फार्मूला आपको याद रखना है, मीट्रिक में या ब्रिटिश में, जिसमें पूछेगा मीट्रिक कहेगा तो 0.61 रखेंगे, ब्रिटिश कहेगा तो बस 0.64 कर दीजिए, ब्रिटिश में निकल जाएगा। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है, देखिए फीट क्या होता है, तो जो ड्रिल बिट होता है ना, ड्रिल बिट के द्वारा जिस मटेरियल में हम छेद कर रहे हैं, जिस मटेरियल में हम होल कर रहे हैं, तो ड्रिल बिट के द्वारा एक चक्कर घूमने पर चली गई दूरी, जब ड्रिल बिट एक चक्कर घूमे तो उसने उस मटेरियल में कितना प्रवेश किया, वही उसका फीट कहलाता है। अरे बात समझ में, ड्रिल बिट एक चक्कर घुमा तो वह उस मटेरियल के अंदर कितना घुसा, कितना दूरी चला, कितना प्रवेश किया, वही क्या होता है, फीट होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी। ऑप्शन इसकी इकाई क्या हो जाएगी, एक चक्कर में, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, चक्कर होता है, चली गई दूरी, दूरी किस में रहेगा, एमएम में रहेगा, तो देखिए एमएम प्रति रिवॉल्यूशन, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी मीटर प्रति मिनट है, एमएम प्रति मिनट है, एक चक्कर में चली गई दूरी, रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर, सॉरी रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक चक्कर घुमा, तो यहां पर एक हो गया मान एमएम प्रति चक्कर, जब हमने इसका मान एक रख दिया तो एमएम प्रति एक, मतलब एक चक्कर में कितना एमएम चला, कितना दूरी वो अंदर घुसा, कितना अंदर प्रवेश किया, वही क्या हो जाएगा, फीट की इकाई हो जाएगी। मीटर प्रति मिनट किसकी होती है, तो यह होता है आपका कटिंग स्पीड की, कटिंग स्पीड का जो इकाई होता है, मात्रक होता है, वह क्या होता है आपका, मीटर प्रति मिनट होता है, जिसे कर्तन गति कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्तन गति, फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पाई डीएन अपान 1000 मीटर प्रति मिनट, ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, कभी कभी इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये अगर कर्तन गति की बात करता तब उसकी इकाई मीटर प्रति मिनट होती, लेकिन यहां बात कर रहा था फीट की, तो एमएम प्रति रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर में कितना वह चला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताए, इस वाले का पूछ रखा है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम सबका देखेंगे भाई, इधर वाला जो यह दोनों जो जॉ है कौन से है, फिक्स जॉ है, कौन से जॉ है, फिक्स्ड जॉ है, यह तो नहीं स्लाइड करेगा, लेकिन यह वाला और यह वाला जो दोनों है, ठीक है, यह दोनों तो फिक्स हो गए, पर इस वाले जॉ की बात करें और इस वाले जॉ की बात करें तो यह क्या करेगा, मूव करेगा, इसलिए मूवेबल जॉ हो गया, मूवेबल जॉ, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, यह जो है हमारा क्या है, तो यह हमारी स्लाइडिंग यूनिट है, यह स्लाइड करती है ना भाई, इस पे बीम के ऊपर, यह क्या हमारा बीम है या मेन स्केल है, बीम है, धरन है, इस पे जो स्लाइडिंग यूनिट है स्लाइड करती है, तो स्लाइडिंग यूनिट हो गया। यहाँ पे जो होता है थंब लीवर लगा होता है, मतलब हम थंब की मदद से इसको स्लाइड कराते हैं इस बीम पे, थंब लीवर कहते हैं इसलिए इसको ना थंब लीवर, क्योंकि हम थंब की मदद से इसको, इस अंगूठे की मदद से इसको स्लाइड कराते हैं इस स्लाइडिंग वाले यूनिट को। यहाँ पे जो होता है हमारा वर्नियर स्केल होता है, क्या होता है, वर्नियर स्केल, और यह है जो हमारा क्या है, यह मेन स्केल है, मेन स्केल हो गया, और यह जो होता है हमारा क्या होता है, डेप्थ बार होता है, क्या होता है, डेप्थ बार होता है,
गहराई मापने के लिए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रखा था, बीम कौन सा है, बीम क्लियर हो गया होगा, फिक्स्ड बार, ठीक है, डेप्थ बार और थंब लीवर। तो यह हमारा थंब लीवर है, डेप्थ बार कौन सा है, तो वही पीछे जो एक्स पूछ रखा है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है संयोजन सेट में, मतलब कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है। देखिए ये हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है, कॉम्बिनेशन सेट में एक स्केल पर मेन तीन हेड लगे होते हैं, मेन तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड। और यह किस पे लगा होता है, एक लंबी स्केल पर लगा होता है, तो मेन तीन भाग हो जाते हैं, कौन कौन से, इसको बोलते क्या है, स्क्वायर हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर हेड। यह जो बीच वाला है इसको बोलते हैं सेंटर हेड, बीच में है भी और नाम भी है इसका, क्या, सॉरी एक गड़बड़ हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं, प्रोटेक्टर हेड। सेंटर हेड नाम है लेकिन किनारे पे है ना, इसको बोलते हैं सेंटर हेड। हल्का देख लेंगे काम क्या है, देखिए जो स्क्वायर हेड होता है इसमें आप देख रहे होंगे एक सरफेस बिल्कुल सीधी है और जो दूसरी वाली सरफेस है ना ये कितने पे है, यह जो है स्केल से 45 डिग्री पे है, कितने पे है, 45 डिग्री पे है। तो इसकी मदद से हम इधर वाला हिस्सा जो है अगर हम इसको स्केल पे और आगे खिसका दे तो इधर से बढ़िया स्पेस मिल जाएगा, हम इसको स्पेस लाइट कर सकते हैं। तो इधर वाला हिस्सा क्या काम करेगा, ट्राई स्क्वायर का काम करेगा, मतलब स्क्वायर हेड की मदद से 90 डिग्री के कोण को चेक कर सकते हैं या फिर 45 डिग्री के कोण को भी चेक किया जा सकता है, क्योंकि एक हिस्सा 90 डिग्री पे है, एक 45 डिग्री पे है। एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि कॉम्बिनेशन सेट में जो होता है स्क्राइबर कहां पे होता है, जो मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है ना, जो कॉम्बिनेशन सेट में कहां पे होता है या कौन से हेड में लगा होता है, तो देख रहे हैं यहां पे स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर किसके साथ है, स्क्राइबर किसके साथ है, स्क्वायर हेड के साथ है, तो स्क्वायर हेड में हमारा स्क्राइबर लगा होता है, ठीक है। और इसी में क्या लगा होता है, यहां पे स्प्रिट लेबल भी लगा होता है, दोनों चीजें इसी में है, स्क्राइबर भी स्क्वायर हेड में है, स्प्रिट लेबल भी स्क्वायर हेड में है, ठीक है। और काम क्या है मैंने आपको बता दिया, सेंटर हेड देख लेते हैं पहले, तो सेंटर हेड में क्या, देखिए सेंटर हेड ईट साइड से बना होता है और इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, नाम है इसका क्या, सेंटर हेड। और वही इसका काम है सेंटर निकालना, किसी राउंड जॉब का सेंटर निकालने के लिए, केंद्र निकालने के लिए सेंटर हेड का यूज किया जाता है। बीच में बचा हमारा क्या, प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर का मतलब चांदा या चांदे की तरह होता है, ठीक है। और इसका जो हम यूज कहां करते हैं, तो देखिए जो प्रोटेक्टर हेड है इसका चांदे की तरह होगा, चांदे में भी आप जानते हैं कोण निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, वही काम इसका भी है। चांदे में भी एक कोण क्या होता है, मतलब एक खाना एक डिग्री के बराबर होता है, वही चीज सेम इसमें भी होता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा था कि संयोजन में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है, परिशुद्धता का मतलब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब वो मिनिमम कितना माप ले सकता है, तो चादा मिनिमम एक डिग्री का माप ले सकता है और प्रोटेक्टर हेड भी सेम वही चीज होता है, जो नॉर्मल चादा होता है वही हमारा कम्बिनेशन सेट में भी होता है, इसलिए अभी मिनिमम एक डिग्री तक का कोण माप सकता है, तो यही इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है, ट्राई स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों पहले भी पढ़ रखा है इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, और पहले के पार्ट में मैंने बता रखा है कि यह इसका क्या स्टॉक होता है या ब्लेड होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसका यूज किसी जॉब के स्क्वायरनेस, मतलब उसकी दो भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री पे है या नहीं ये भी चेक करने के लिए करते हैं, प्लस जॉब की समतलता को भी चेक किया जा सकता है, तो इसके काम के लिए हम ट्राई स्क्वायर यूज करते हैं। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसका इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको रट लीजिएगा जैसे भी हो कैसे भी हो याद कर लीजिए कि 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई में, ठीक है, 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई में, दो लिखा है और दो जीरो भी है, थोड़ा सा जैसे नहीं होता इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0.02 होगा या हो गया, जो 0.02 mm होता है वो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है। तो यहाँ पे आपको ट्राई स्क्वायर का याद रख लेना कि भाई दो लिखा है और इसके साथ इसलिए दो जीरो रहेगा, 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई में जो होता है हमारा वह ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लास्ट है आपका, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, निशान दिखने का मतलब विटनेस मार्क, इसको पढ़िए ज्यादा समझ में आएगा, विटनेस मार्क मतलब जब हम किसी जॉब पे मार्किंग करते हैं, ये हमारी जॉब हो गई, इस पे हम मार्किंग मीडिया लगा देंगे, मार्किंग मीडिया के रूप में मान लीजिए आपने चौक लगा दिया, चौक आपका सूख गया, जब चौक सूख जाएगा तो उस पर हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, मार्किंग स्क्राइबर से हमने कर लिया जॉब पे, हमने क्या किया सूखने के बाद स्क्राइबर से अगर हमने ऐसे मार्किंग कर दिया, अब हम इस पे जब कटाई करेंगे, एक्सा से मान लीजिए काटना है, कटाई करेंगे तो पानी भी गिराएंगे साथ में, तो आपको निशान मिट जाएगा क्योंकि आपने चौक लगा करके उस पर निशान खींचा था, तो निशान ना मिटे इसके लिए क्या करते हैं,
कि हम मार्किंग मीडिया लगाते हैं, चौक लगाते हैं, वह सूख जाता है, स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं, अब पंच लेकर के 3 से 5 mm की दूरी पे छोटा छोटा बिंदु बनाते जाते हैं ऐसे। यहाँ पे एक निशान लगा दिया, एक निशान यहाँ लगा दिया, एक निशान यहाँ लगा दिया, एक निशान यहाँ, किससे? पंच से। तब वो मिटेगा नहीं ना, जब आप पंच से मेटल पे निशान लगाओगे तो नहीं मिटेगा। अब आप पानी भी गिराओगे तो आपका निशान नहीं मिटेगा और आपको साफ साफ दिखता रहेगा। इसी निशान को विटनेस मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? विटनेस मार्क कहते हैं, निशान दिखने वाला कहते हैं ना, कि वो आपका निशान साफ साफ दिखाई दे। तो विटनेस मार्क जो होता है आपका दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है, तो उसके लिए आपका डॉट पंच यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अभी मैंने पीछे भी बताया था कि पंच हमारा मेन क्या है, जनरली लिखा था, तो मेन जो सेंटर पंच है, प्रीक और डॉट है। सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है, वह ड्रिल बिट को स्थान देने के लिए यूज किया जाता है, जहां पर ड्रिल करना होता है कि ड्रिल बिट हमारी स्लिप ना करे। और उसके बाद आता है हमारा क्या, प्रीक पंच और डॉट पंच। डॉट पंच का जो एंगल होगा हमारा 60 डिग्री होता है। और इसका हम यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं निशान को पक्का करने के लिए, मार्किंग करने के बाद निशान को पक्का करने के लिए इसका यूज करते हैं डॉट पंच का। प्रिक पंच का एंगल कितना होता है? प्रिक पंच का जो एंगल होता है वह 30 डिग्री होता है। इसका यूज किया जाता है डिवाइडर की नोक को स्थान देने के लिए, जिससे कि मार्किंग या वृत्त वगैरह बनाते समय हमारा डिवाइडर स्लिप ना करे उस पर। तो ये चीज मैंने आपको बता दी थी। पिन पंच क्या है? यह जो फिगर आपको दिख रहा है भैया, यह वाला, यह है आपका क्या, पिन पंच। तो इसमें कोई नुकीला स्थान नहीं होता है, ठीक है, देख रहे ना, इसका जो आगे की भाग है यह बेलनाकार है और लंबा होता है, बेलनाकार और लंबा होता है, यह जो होता है लगभग 3 से 12 mm के डायमीटर में रहता है, यह जो इसका डाया है। तो इसका काम है हमारा क्या, तो कहीं पे कोई डावल पिन वगैरह किसी पार्ट में फंस जाए, कोई पिन वगैरह, कोई डावल पिन है पार्ट में फंस गया, तो यह लंबा रहता है, तो इसको लगा के हैमर से चोट करते हैं ताकि वह पिन उस पार्ट से बाहर निकल सके। कहीं पे कुछ कोई चीज फंस जाता है तो हम नहीं होता है कोई दूसरी चीज लगा के पतली चीज उस पर ठोकते ताकि वो बाहर निकल जाए, तो ऐसे ही किसी पार्ट में डबल पिन वगैरह फंस जाए तो हम इस पिन पंच की मदद से, इसकी लंबाई ऐसे रहती है लेंथ, तो उसको हैमर लगा के चोट करते ताकि वो पिन बाहर आ जाए। बेल पंच, यह वाला जो फिगर है ना, यह आपका किसका है? बेल पंच का है, ठीक है। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, फिगर में आप देख रहे होंगे, यह जो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग के प्रभाव में रहता है, और आगे जो होता है इसका घंटी नुमा इस तरह से आकार बना होता है, घंटी के आकार का ना, और बीच में आपका सेंटर में पंच होता है। तो इसका हम स्पेशली यूज कर सकते हैं सेंटर लगाने के लिए, किसी राउंड जॉब पे आपको सेंटर में निशान लगाना है तो बहुत आसान है। इसका देख रहे हैं आगे वाला हिस्सा जो है, थोड़ा सा मैं फिगर को क्लियर कर दू ना, देखिए इस टाइप से बना हुआ है, आगे वाला हिस्सा घंटी नुमा है और यह सीधा चला गया है, ऐसे आ गया है ना, और यहां से ऐसे आ गया, ठीक, यह ठीक हो गया, और यह बीच में हमारा क्या है, यही हमारा है पंच, बीच में पंच है, ठीक है, घंटी नुमा आकार है और बीच में क्या है, पंच है। और यह ऊपर क्या है, तो ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगी, स्प्रिंग के प्रभाव में रहता है। तो हम क्या करते देख रहे हैं ना, यह नीचे राउंड जॉब है, यह नीचे क्या हमारा, ये राउंड जॉब। तो ये जो दोनों घंटी वाला आकार है राउंड जॉब पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक जो पंच होगा वो कहां, सेंटर में आ जाएगा, बहुत आसान होता है। ये जो दोनों भाग होते हैं ये जॉब से टकरा जाते हैं और ऑटोमेटिक जो पंच होता है वो सेंटर में चला जाता है, फिर हम यहाँ पे चोट करते हैं और यहाँ पे सेंटर में निशान लग जाता है। तो किस राउंड जॉब पर सेंटर पर निशान लगाने के लिए हम लोग बेल पंच का यूज करते हैं, स्प्रिंग के प्रभाव में ऊपर को रहता है, उस पर चोट लगाते हैं वहां पर तुरंत निशान लगा देता है। तो ये क्या होता है हमारा, बेल पंच होता है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।